माणा प्रताप का एक जिक्र किया। माणा प्रताप पर मैंने एक जो गीत लिखा है, हो सकता आने वाले समय में आप पाठ्यक्रम में उसको पढ़े, आपको लगे कि कैलाश मंडेला को आपने रूबरू सुना है, आप गर्व से कभी कह पाएंगे। मैं एक गीत कहता हूं, वो महाराणा प्रताप जो केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप नहीं, मैं दुनिया में जहां भी गया, हिंदुस्तान में जहां भी गया, वहां मैंने राजस्थान के शौर्य का प्रतीक अगर किसी एक व्यक्तित्व को देखा तो सिर्फ महाराणा प्रताप थे। गुवाहाटी के अंदर भी उनके एक वो बड़ा जगह है, उसमें भी उनकी मूर्ति लगी हुई। तब मुझे फक्र हुआ कि महाराणा प्रताप चीज क्या थे। हमारी आजादी का आंदोलन महाराणा प्रताप के उस संघर्ष पर खड़ा है। महाराणा प्रताप का एक छोटा सा युद्ध था हल्दीघाटी, मुश्किल से 4-4.5 घंटे का युद्ध था, मगर उस युद्ध की इतनी कीर्ति का बखान किया गया। क्यों? क्योंकि उस युद्ध ने हमें लड़ना सिखाया, कम संसाधनों के बावजूद भी दुश्मन से लड़ना सिखाया। आम आदमी ने इकट्ठे होकर उस लड़ाई को लड़ी। महाराणा प्रताप उसके आइकॉन बने, हमारे नेता बने। बस उस घटना को याद करें, महाराणा प्रताप को याद करें, आजादी के उस आंदोलन को याद करें, 1857 की क्रांति को याद करें, हमारे अमर वीर शहीदों को याद करें और इस गीत को सुने। जो कलंक हमारे इतिहास पर लगा हुआ था कि अकबर के सामने, आप कल्पना करिए कि अकबर कैसी ताकत थी, आज अमेरिका से कोई लड़ सकता है क्या? आज भी किसी की ताकत नहीं है। उस समय अकबर से लड़ना भी ऐसी ताकत का काम था। अकबर से लड़ना वही चीज थी जो आज अमेरिका से हम लड़ना चाहते हैं। कलंक था हमारे माथे के ऊपर कि कोई ऐसा शूरवीर हिंदुस्तान में नहीं है जो अकबर का मुकाबला कर सके। तब महाराणा प्रताप ने जो झंडा ऊंचा किया, इसीलिए महाराणा प्रताप है। एक बार तालियां बजा दे, मैं अच्छी रचना सुनाता हूं। कि धोयो माथे लाग्योड़ा दाग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी रजथानी पाग ने, धोयो माथे लाग्योड़ा दाग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने, थाम कर ध्वजा धरमरी पकड़ ली गेल करमरी, धनी धरती सू बागे बातली समझ मरमरी। महाराणा प्रताप को लग गया कि अगर जमीन हमारी है तभी तक हम मालिक है, अगर जमीन का मालिक कोई दूसरा तो फिर काहे के मालिक, काहे के राजा जी, काहे के ठाकर साहब है। तब कहता हूं कि थाम कर ध्वजा धरमरी पकड़ ली गेल करमरी, धनी धरती सू बागे बातली समझ मरमरी, वचन पर मर मिट जानो आन रो मान बचानो, मंगरा में, मंगरा यानी पहाड़ों में, कि मंगरा में नाहर जेड़ो जब रो जो धो हो राणो। और एक पंक्ति कविता की कहता हूं, कवि कवि मित्र सुने। उस पराक्रम को और उस संघर्ष को मैंने एक पंक्ति में, कविता सुनने वाले जो लोग यहां शेष है अगर उनको अच्छी लगे तो दाद देना, कि मंगरा में नाहर जेड़ो जब रोजो धो हो राणो, तो हाथा पकड़ी बड़बड़ती आग ने। धन्यवाद। हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने, दोयो माथे लाग्योड़ा दाग ने, भारत रा सूरज ऊंची राखी भारत की पाग ने, कतरा की मूछा लुड़गी। इतिहास गवाह है, किसने किस ढंग से समझौते की अपनी बेटियां भैया, क्या क्या किया लोगों ने। तब कहता हूं कि कितरा की, और बूंदी की धरती शौर्य वाली धरती पर खड़े होकर कह रहा हूं कि कितरा की मूछा लुड़गी, मर जादा गागर ढुड़गी, देशा सरनाटो छाग्यो कुआ में भांग्या गुड़गी। पूरे देश में सन्नाटा छा गया कि कौन लड़ेगा महाराणा अकबर के खिलाफ। कि देशा सरनाटो छाग्यो कुआ में भांग्या गुड़गी, खुद गर्जी होगी गहरी कुण फूके अबरण भेरी, कुण ने कुण अपनो माने भाई भाई को बैरी। उनका खुद का भाई शक्ति सिंह उनसे अलग हो गया कि कुण ने कुण अपनो माने भाई भाई रो बैरी। और फिर एक पंक्ति कहता हूं, उठाना आप सब लोग, तो कानो बण कुणना थे लो नाग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी भारत की पाग ने, दोयो माथे लाग्योड़ा दाग ने, हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी भारत की पाग ने, कूत्यो अपनो बलबूतो। माणा प्रताप ने संघर्ष का सोचा,
अपना अपना बहुबल कूता उन्होंने कि हमारे पास क्या ताकत है कि कूत्यो अपनो बड़बू तो भालारी अणिया सूतो हिवड़े ही लोरा भरतो वीरा ने दे तो नू तो। गांव गांव में घूमे हो, आओ भाई युद्ध करते हैं। कितना बड़ा संघर्ष था कि हिवड़े ही लोरा भर तो वीरा ने दे तो नू तो टेरा दे गायो सिंधु राग ने। सिंधु राग वो राग जो युद्ध के समय गाया जाता था कि टेरा दे गायो सिंधु राग ने हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी भारत की पाग ने दोयो माथे लाग्योड़ा दाग ने हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने छोड़ी कोनी परिपाटी। क्या परंपरा थी मेवाड़ की, बाप्पा रावल से परंपरा चली। आपको नाम याद होगा, बप्पा रावल का नाम आपने सुना ना। बप्पा रावल वो शख्सियत थी हिंदुस्तान की जिसने 700 या 750वीं ईस्वी में इन आतताइयों को ठेठ अफगानिस्तान के पीछे तक धकेल दिया था। वो बप्पा रावल उसकी संतान है ये। कि छोड़ी कोनी परिपाटी साखी देवे या माटी, इस धरती पर कह रहा हूं, यहां भी वीर शहीद हुए, यहां भी परंपरा, तब कहता हूं कि छोड़ी कोनी परिपाटी साखी देवे या माट लोही सुराती होगी हूं कारे हल्दी घाटी अमरिया जोधा कण कण में प्रण खातर जूझारण में जारी देवलिया दम के सुरगा सूरज आंगण में। हमारे राजस्थान की धरती पर हर जगह देवरे बने हुए हैं, देवलियां बनी हुई है, भाटे लगे हुए हैं कि यहां हमारे जुजार जी हैं। क्या चीज है, क्या राजस्थान हमारा, हमें फक्र होता है कि जारी देवलिया दम के सुरगा सूरज आंगण में तो चमकायो अपने। और अब जो पंक्ति कहूंगा गर्व से भर जाना, महाराणा प्रताप की नहीं, राणावतों के या राजपूतों के महाराणा प्रताप नहीं है, हम सबके हैं, हम हमारा सारा परिवार है ये। तब कहता हूं कि चमकायो अपने कुलरा भागने हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पागने दोयो माथे लाग्योड़ा दागने भारत रा सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पागने धिनरे मेवाड़ी जाया धिनरे बूंदी का जाया राणा संग शीश कटाया जस जीवे जुग जुग ताई नश्वर होवे या काया। हम सब मरण धर्मा लोग हैं, एक दिन हमारी मृत्यु आनी है, मगर अगर हमने कोई काम यश का किया मित्रों तो वो यश हमारा जीवित रहेगा। आज 550-600 साल बाद भी महाराणा प्रताप का गीत मैं बूंदी में खड़ा होके गा रहा हूं, क्या ताकत है। कि जस जीवे जुग जुग ताई नश्वर होवे या काया आजादी मोल पिछाणो। ये आजादी कितनी मुश्किल से मिली तब हम गीत को गा पा रहे हैं। उन वीर शहीदों को नमन करने का दिन है कि आजादी मोल पिछाणो। कैसे कैसे लोग भ्रष्टाचार करके जेलों में जा रहे हैं। कविता मैसेज देनी चाहिए, कवि सम्मेलन से मैसेज उठना चाहिए। तब अंतिम पंक्तियों से मुझे विदाई देना कि आजादी मोल पिछाणो कोरी मोजा मत मानो कितरो दोरो होवे है ईरा गौरव ने गाणो। और एक पंक्ति कहता हूं उन शहीदों के लिए, पूरे दोनों हाथ उठाकर उन शहीदों को नमन करना जिन्होंने इस देश को आजादी में अपना योगदान दिया। नाम और अनाम लोग, कईयों के तो नाम है कईयों के तो नाम ही नहीं जानते हैं। मेरे पुरखे भी थे, मैं भी जानता हूं मैं किस परंपरा से आता हूं, मगर मैं अभी उस इतिहास को नहीं बताऊंगा। कि धिन रे बूंदी राजाया राणा संग शीश कटाया जस जीवे जुग जुग ताई नश्वर होवे या काया आजादी मोल पिछाणो कोरी मोजा मत मानो कितरो दोरो होवे है ईरा गौरव ने पाणो। और अब समर्थन करना तो राख्यो धरती रा अमर सुहाग ने। और मेरे साथ बोलना हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी भारत की पाग ने दोयो माथे बोलिए दोयो माथे लाग्योड़ा दाग ने
हिंदवाणी सूरज ऊंची राखी मेवाड़ी पाग ने, ऊंची राखी हाड़ोती पाग ने, ऊंची राखी रजथानी पाग ने, ऊंची राखी हिंदवाणी पाग ने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।